आप सोच सकते हैं मैथमेटिक्स को बिना जीरो के? ज़रा सोच कर देखिए, आपको सिर्फ 1 से 9 तक दिखेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज हम बात करने वाले ऐसे महापुरुष के बारे में जिसने मैथमेटिक्स को पूरा किया, जिसने मैथ्स में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम बात करने वाले आर्यभट्ट के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुलजार अहमद और आज हम बात करने वाले हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो बात शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश सन 476 ईस्वी में हुई। ये 5th सेंचुरी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रह चुके हैं। इनकी पैदाइश कुसुमपुरा पाटलिपुत्रा, जो अभी पटना में स्थित है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। जीरो के इन्वेंशन में डायरेक्ट आर्यभट्ट के बारे में नहीं लिखा जाता है, लेकिन भास्कर वन जो 7th सेंचुरी के मैथमेटिशियन हैं उनके थ्रू ज़ीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट के थ्रू आर्यभट्ट ने किया ये पता लग पाता है। आर्यभट्ट की दो बड़ी किताबें हैं आर्यभाट्य और आर्य सिद्धांत। आर्यभाट्य को 4 कैटेगरी में रखा गया है, गृतिका पद, गणित पद, काल क्रिया पद और गोल पद। गृतिका पद में लार्ज टाइम्स के बारे में बताएगा, लंबे समय का, जैसे लाइट ईयर्स वगैरह। गणित पद में मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है, काल क्रिया पद में टाइम के बारे में बताया है और गोल पद में एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया गया है, जैसे दिन से रात का होना, सुबह से शाम का होना। तो दोस्तों हम बात करेंगे आर्यभट्ट के वैसे काम के बारे में जिससे मैथमेटिक्स को बहुत योगदान मिला है। आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू ऑफ द सिस्टम एंड ज़ीरो के बारे में बताया। आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली आर्यभाट्य बुक जो संस्कृत में लिखी हुई है वहाँ से हमें मिलती है। उन्होंने उसमें आराध्य जया, जो बाद में जया कहा जाने लगा, बाद में इसको अरबिक में ट्रांसलेट किया गया तो उसे जेब कहा जाने लगा, फिर लैटिन में उसे ट्रांसलेट किया गया तो वो फिर साइनस कहलाया, जिसे हम लोग अब साइन या कॉस भी बोलते हैं। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी उनके ही ज़रिए आया। और साथ ही साथ उन्होंने अलजेब्रा, इंडिटरमिनेट इक्वेशन में भी अपना बहुत सारा योगदान दिया। तो दोस्तों उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत सारे काम किए। मोशन ऑफ द सोलर सिस्टम, किस तरह से सोलर सिस्टम मूव करते हैं, सूरज अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, अर्थ किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, किस तरह से रोटेट कर रहा है, क्या टाइमिंग है, सारी चीज़ों का एक गठजोड़ उन्होंने दिया था। आज से 1600 साल पहले बहुत बड़ी बात है ये काम कर देना। आज भी बहुत सारे लोग उनके बुक से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। उनके बुक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी ने उठाया है तो अरब वाले लोगों ने फ़ायदा उठाया है, क्योंकि उस टाइम इस्लामिक गोल्डन एरा चल रहा था। सबसे पहले अरबिक में ट्रांसलेट किया गया, उन्होंने अच्छे तरीके से उन्हें समझा, उनके बुक से फ़ायदा उठाया। लेकिन बाद में अभी 2400 साल पहले अब वो सारी चीज़ें अब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, अंग्रेज़ों के ज़रिए इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है और अभी 400-500 साल में ही अंग्रेज़ों ने सारी चीज़ें सीखी। तो दोस्तों इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। तो हमारे लिए आर्यभट्ट एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो इंडिया के थे और उन्होंने बहुत सारे योगदान मैथमेटिक्स के लिए दिया। तो दोस्तों ये था आर्यभट्ट का एक छोटा सा हिस्ट्री। फिर से किसी मैथमेटिशियन के बारे में एक वीडियो बनाकर मिलूंगा मैं। तब तक के लिए मैं चलता हूं, आप इजाज़त दीजिए, फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।